वंस अगेन गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका रोहित सर एकेडमी में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाचन तंत्र डाइजेस्टिव सिस्टम। ये क्लास 8 और 10th के लिए है, तो इस टॉपिक को अच्छे से हम लोग क्लियर करेंगे और इसको समझेंगे। और एक चीज के लिए मैं माफी चाहता हूँ बच्चों की, बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था, पर पूरी कोशिश रहेगी कि वीडियो मैं रोज डालूं, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं अब बिना किसी डिस्कशन के पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। तो उससे पहले हम लोग जानते हैं कि पाचन क्रिया यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम यानी डाइजेस्टिव वर्कर वर्किंग क्या होता है। हमारे शरीर में जो भी क्रिया होता है वो एक प्रकार का शारीरिक क्रिया आप उसको बोल सकते हैं, उसी में डाइजेस्टिव सिस्टम भी आता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कहने का मतलब क्या, पाचन क्रिया तो एक प्रकार का ये शारीरिक क्रिया है जिसमें जो हम लोग भोजन लेते हैं वो भोजन हमारे शरीर के अंदर जाता है और जाने के बाद ऊर्जा में देता है, हमें क्या देता है, ऊर्जा देता है। और वो कब देता है, जब भोजन हमारे शरीर में पचेगा तभी ना। तो जैसे ही हमारे शरीर के अंदर भोजन पचता है उससे हमारे शरीर की ऊर्जा मिलती है, और जो गंदगी बच जाता है खाना पचने के बाद यानी कि अनपचा भोजन, वो गंदगी के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है। तो इसी पूरे प्रक्रिया को हम लोग पाचन तंत्र बोलते हैं यानी डाइजेस्टिव सिस्टम बोलेंगे इसको। और चलिए इसको हम लोग अच्छे से करते हैं, ठीक है। पाचन क्रिया और डाइजेस्टिव सिस्टम एक्चुअली में है क्या, इसको डिटेल में समझेंगे। मैंने डायग्राम बना लिया है, यहाँ पे रफली डायग्राम है, ऐसा नहीं कि पूरा प्रॉपर तरीका से, रफली है सिर्फ समझाने के लिए आप सबको, ताकि आप उसको अच्छे से समझ जाए। पहला टॉपिक है आपका इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में मुख गुहा। क्या है मुख गुहा, ये मुख गुहा होता क्या है। जो हम लोग जो भी भोजन करते हैं हमारे शरीर के अंदर, भोजन कहां से चालू होता है, हमारे शरीर में मुंह से, तो मुंह के अंदर जो भोजन हम लोग चबाते हैं उसी को हम लोग मुखगुहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुखगुहा। तो चलिए मुखगुहा का मतलब आप लोग समझ गए बच्चों, मुखगुहा क्या होता है। मुखगुहा वो होता है, ये वाला पार्ट जो है आपका, ये क्या कहलाएगा, मुखगुहा। क्या कहलाएगा, मुखगुहा। इसमें हम लोग भोजन को सिर्फ और सिर्फ चबाते हैं, इस वाले पार्ट को मुखगुहा बोलेंगे। ये रहा आपका, ये क्लियर है। उसके बाद आता है ग्रास नली। ये ग्रास नली क्या है, ग्रास नली हमारे शरीर के अंदर का जो फूड पाइप होता है। फूड पाइप मतलब क्या है, जैसे हम लोग भोजन करते तो यहाँ पे एक है ना पाइप की तरफ बना होता है, उस पाइप को हम लोग फूड पाइप बोलते हैं, हिंदी में उसको ग्रास नली कहा जाता है। यानी ये वाला जो है ना पाइप की तरह, देखिए ध्यान से इसको, पाइप की तरह ये जो है, ये क्या है आपका, ग्रास नली। इसको इंग्लिश में आप फूड पाइप भी बोल सकते हैं, इसलिए समझा रहा हूं ताकि सीबीएसई वाले अगर बच्चे देख रहे हैं तो उसको अच्छे से समझ लें, ठीक है। उसके बाद ग्रास नली से खाना होकर के कहां जाता है हमारे बच्चों, पेट के अंदर जाता है। तो पेट को क्या बोलते हैं, अमाशय। क्या बोलते हैं, अमाशय। तो ये आपका पेट है, इसको क्या बोलेंगे, अमाशय, अमाशय। यानी कि स्टार्टिंग करते फिर से, मुखगुहा में हमने खाना खाया जो हमारा मुंह है उसमें, उसके बाद मुखगुहा से ग्रास नली में जाएगा। कहां जाएगा, ग्रास नली यानी फूड पाइप के अंदर जाएगा। फूड पाइप के अंदर जाने के बाद अमाशय में जाएगा। अमाशय किसको बोलते हैं बच्चों, पेट को। तो जो हमारा पेट हुआ वो क्या हुआ, अमाशय के तौर पे हो गया। तो एक चीज क्लियर है, फिर से रिपीट कर देता हूं मैं एक बार, कि जो हम लोग भोजन खाते हैं वो मुखगुहा है, जो अंदर जाता है हमारे फूड पाइप के थ्रू उसको ग्रास नली बोलते हैं, जो रास्ता हो जाता है मुंह से पेट में खाना पहुंचाने तक का उसको ग्रास नली कहा जाता है, और अमाशय जो पेट में जो हमारा भोजन गया उसको बोलते हैं। उसके बाद भी प्रक्रिया होती है बच्चों, देखिए कैसे। अब इसमें देखिए, ये जो है आपकी छोटी आंत, अब ये छोटी आंत क्या है इसको ध्यान से समझेंगे, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं। और ये रहा आपका छोटी आंत, ये देखिए मैंने इसके अंदर मार्कर चलाया, ये छोटी आंत है, इसके अंदर भोजन जाता है तो ये पचने का काम करता है। किसका काम करता है, पचने का। यानी भोजन गया तो छोटी आंत में जाने के बाद क्या होगा, वो पचेगा, उसमें पाचन क्रिया होगी। तो ये आपका क्या कहलाएगा, छोटी आंत, जिसमें काम क्या होता है छोटी आंत की, खाना पचाने का काम होता है। मैं यहां पे लिख दूं, छोटी आंत का काम होता है, छोटी आंत का खाना पचाने का काम होता है। किसे काम होता है, खाना पचाने का काम। यानी इंग्लिश में अगर लिखिएगा टू डाइजेस्टिंग, डी आई जी एस डाइजेस्टिंग द फूड, इसका यही काम होता है कि भोजन को यह पचाता है, यानी कि भोजन को पचाने का काम करता है। उसके बाद छोटी आंत के बाद क्या है बच्चों, बड़ी आंत। ये बड़ी आंत क्या बोलते हैं, देखिए छोटी आंत का काम है भोजन को पचाना और बड़ी आंत का काम है अनपचा भोजन को स्टोर करके रखना, अनपचा भोजन को रखना। यानी कि ये वाला जो आंत है, ये वाला आप इसको देख रहे हैं दोनों साइड से है,
तो ये वाला इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बरियात बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? बरियात। इसमें क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बरियात में क्या होता है, ये सब लिखने वाले पॉइंट है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों। बरियात का काम क्या है, अनपचा भोजन को, जो भोजन नहीं पचता है यानी कि हमारे शरीर की गंदगी, वेस्ट मटेरियल जिसको बोलते हैं, अनपचा भोजन को रखता है, रखता है मतलब कि स्टोर करता है, यानी कि स्टोरिंग, इसको इंग्लिश में लिखता हूं स्टोरिंग अनडाइजेस्टेड, अनडाइजेस्टेड फूड, स्टोरिंग अनडाइजेस्टेड फूड इन वेयर, इन वेयर, इन लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि बड़ी आंत में आप अनपचा भोजन को रखते हैं, यानी हमारा शरीर है वो बड़ी आंत में अनपचा भोजन रखता है। उसके बाद मैंने कहा गूदा, ये गूदा क्या है, गूदा है एक ऐसा रास्ता जहां से हमारे शरीर की गंदगी बाहर निकलती है, ये हो गया आपका गूदा, क्या हो गया गूदा, ये एक ऐसा रास्ता है, इसको एनल भी बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में, ANL, एनल, ये एक ऐसा रास्ता है जिसके थ्रू हमारे शरीर की गंदगी बाहर निकलते हैं, जो हम लोग सुबह सुबह निकालते हैं एक्चुअली, तो कहने का मतलब समझ रहे हैं, ये गूदा क्या है, हमारे शरीर का एक ऐसा पार्ट है जहां से हमारे शरीर की गंदगी जो है वो बाहर आती है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं गूदा के बारे में, गूदा क्या है, जो हमारे शरीर से गंदगी निकालने में मदद करता है, इसको इंग्लिश में लिखे विच हेल्प्स टू पुट आउट वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी, वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी, यानी कि हमारे शरीर से गंदगी को निकालता है, निकालने में मदद करता है, ये होता है गूदा का काम। देखिए बच्चों, इतना सारा जो मैंने पढ़ाया है, ये आपके पाचन तंत्र का पहला पार्ट है। पाचन तंत्र के भी दो सिस्टम होते हैं, ये पहला सिस्टम एलिमिनेटरी कैनल जिसको आहार नाल बोलते हैं, इसके बारे में मैंने अभी बताया। दूसरा पार्ट होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी कि पाचक ग्रंथि, मैंने इतना सारा तो बताया, अब इसको पचाने में कौन कौन अंग मदद करते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। उससे पहले ये जान लीजिए कि एलिमिनेटरी कैनल का मतलब होता है आहार नाल, जो कि हमारे शरीर में कितने फीट का होता है, 32 फीट का, याद रखिएगा, हमारे शरीर का जो आहार नाल होता है, इंग्लिश में एलिमिनेटरी कैनल बोलते हैं, वो तकरीबन 32 फीट का होता है, ये अपने दिमाग में बैठा लो बच्चों, यानी कि द एलिमिनेटरी कैनल ऑफ आवर बॉडी इज 32 फीट, हमारे बॉडी का जो आहार नाल है एलिमिनेटरी कैनल, वो 32 फीट का होता है, और ये एलिमिनेटरी कैनल का ही भाग है, मुख गुहा ग्रास नली अमाशय है, छोटी आंत बड़ी आंत गूदा, और सबका काम मैंने बता दिया आपको, एक बार फिर से उसको कवर करते हैं। मुख गुहा काम क्या है, जिसमें हम लोग खाना चबाते हैं, ये वाला काम है। ग्रास नली क्या है, जो हमारे शरीर के अंदर खाना ले जाता है, शरीर के अंदर यानी पेट के अंदर, और अमाशय क्या है, पेट को बोलते हैं। उसके बाद पेट में जाने के बाद जो खाना है वो छोटी आंत में जाता है, किस लिए, छोटी आंत में जाता है, खाना पचने का काम करता है इसलिए छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत से होकर के बड़ी आंत, क्यों, खाना पचने के बाद कुछ जो खाना अनपचा भोजन है वो रखता है बड़ी आंत, और अनपचा भोजन रखने के बाद जो हमारे शरीर के अंदर जो सिग्नल मिलता है कि नहीं अब उस भोजन को, अनपचा भोजन को तुम बाहर निकालो, तो गुदा के रास्ते से हम लोग क्या करते हैं, एनल के रास्ते से उसको हम लोग बाहर की तरफ निकाल देते हैं। तो यही है पाचन तंत्र और उसके एलिमिनेटरी कैनल, आहार नाल के कुछ पार्ट और उनका मतलब, और अब हम लोग देखेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी कि पाचक ग्रंथि। पॉज। चलिए अब दूसरा पार्ट करते हैं पाचन तंत्र का, पाचन ग्रंथि, जिसको मैंने आपको बताया है, बताया नहीं है, बताने जा रहा हूं। पाचन ग्रंथि क्या है, देखिए पाचन ग्रंथि यानी कि जो हमारे खाने को पचाने में जो हेल्प करता है, जो जो ऑर्गन, जो जो चीज, उसी को हम लोग पाचन ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, खाने को पचाने में जो हेल्प करता है, दो प्रकार का ग्लैंड था, एक एलिमिनेटरी कैनल था और एक है डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो अभी डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में यानी पाचन ग्रंथि के बारे में जानेंगे। पहला है लार ग्रंथि, यानी लार क्या होता है, हमारे मुख गुहा के अंदर यानी मुंह के अंदर एक सलाइवा नाम का सब्सटेंस पाया जाता है, यानी कि एक लार, जैसे ना मुंह से लेर निकलना जिसको बोलते हैं हम लोग, अपने आसपास में बच्चे को देखिएगा आप, मुंह से लेर निकलता, चाहे अपने मुंह के अंदर भी लेर निकलता, तब तो उसको खाने में, देखिए अगर हम लोग कोई खाना खाते हैं तो उसको हेल्प कौन करता है, उसको चबाने में लार करता है, कौन करता है, लार, उसको इंग्लिश में आप सलाइवा बोले, यानी कि लार क्या करता है, खाने को चबाने में हेल्प करता है। तो अगर डिफिनेशन आपको लिखना होगा कि लार ग्रंथि क्या है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लार ग्रंथि
जो है वह खाने को चबाने में हेल्प करता है, यानी कि उसको लिक्विड बनाने में, चबाने में मदद करता है, मदद करता है, यानी कि सलाइवा विच हेल्प्स टू च्यूइंग द फूड। अगर हम इसको लार ग्रंथि को लिखेंगे, सिलेवरी ग्लैंड बोलते हैं इसको इंग्लिश में, सिलेवरी ग्लैंड। ये जो ग्लैंड है वो क्या करता है, विच हेल्प्स टू, अगर राइटिंग नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मेरी बातों को समझ करके अपने कॉपी पे लिख सकते हैं, विच हेल्प्स टू च्यूइंग, च्यूइंग मतलब क्या होता है, चबाना, च्यूइंग द फूड। ओके, तो लार ग्रंथि के काम क्या है, जो हमारे मुंह के अंदर जो लेयर होता है वो खाने को चबाने में मदद करता है, सिंपल। उसके बाद है आपका जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि क्या, जो हमारे पेट के अंदर जो पाचन क्रिया होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जठर ग्रंथि। पेट के अंदर जो ऑर्गन है पाचन क्रिया में मदद करते हैं उसको क्या बोलेंगे, जठर ग्रंथि है। उसके बाद है लीवर प्लस पित्ताशय। देखिए लीवर जो हमारा क्या है, यहाँ पे ये जो आपका त्रिभुज की तरह नजर आ रहा है ये आपका लीवर है, और यहाँ पे एक छोटा सा गोलाकार है ये आपका पित्ताशय है। अब ये लीवर क्या है, पित्ताशय क्या है, देखिए लीवर का काम सीधे से है कि आप जो खाना खाते हैं उसको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका ऑर्गन है जो खाने को पचाने में मदद करता है, जो सबसे ज़रूरी तंत्र है जो खाने को पचाने में मदद करता है, वो है आपका लीवर। बिना लीवर के खाना को नहीं पचाया जा सकता, ठीक है। तो लीवर का काम क्या पता है, सीधे से लिख दीजिएगा, जो हमारे खाने को पचाने में पूरी तरीके से मदद करता है। उसके बाद है पित्ताशय। गांव में सुनी होइएगा, सब बोलता है अरे मेरा पीत लहर रहा है, मैंने गुस्सा आ रहा है। पित्ताशय क्या पता है, आप कुछ वाइली चीज़ खाते हैं यानी कि तिलपक सामान को खाते हैं तो हमारे शरीर अंदर ये पित्ताशय बनता है। एक तो शरीर के अंदर पित्ताशय होना ज़रूरी है, थोड़ा सा होना चाहिए, लेकिन वो बढ़ता कब है, जब आप तले हुए चीज़ को खाते हैं तो वो बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या है आपको गुस्सा बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि आपका पित्ताशय जो है वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और अननेसेसरी फूड जो काफ़ी हाई रिस्क फूड होता है, जैसे पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, अगर उसको आप खाते हैं तो इसके कारण क्या होता है, लीवर का साइज जो है वो बढ़ सकता है। तो सब चीज़ को लिमिट में खाएं, ताकि लिमिट में रहें और वो हमारे शरीर को सही से फंक्शनेबल बनाए, यानी कि सही से चलाएं। तो लीवर का काम क्या है, खाने को पचाने में मदद करता है। पीत का काम क्या है, जो अननेसेसरी फूड जो आप खाते हैं जिसके कारण पीत आपके शरीर में बनता है, अगर वो नॉर्मल है वो तो ठीक है, नहीं तो अगर वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है जिसके कारण आप चिड़चिड़ा हो जाते हैं, चाहे आपको प्रेशर का जो बीमारी होता है वो पीत के बढ़ने के कारण होता है, जो प्रेशर बढ़ता है ना इंसान का, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, गुस्सा जल्दी आ जाता है, तो वो पित्ताशय के कारण होता है, ठीक है। उसके बाद है अग्नाशय। अग्नाशय का काम क्या है, ये वाला जो आपका इस प्रकार का, ये यहाँ से जो देखिए ऐसे गोलाकार जो है इतना जो शरीर के अंदर पाया जाता है उसको अग्नाशय बोलते हैं। मैंने रफली डायग्राम बनाया है इसको, फेयरली डायग्राम आपकी किताब में मिल जाएगा, मैंने इसको समझाने के लिए इस प्रकार का डायग्राम आपको बनाया है। तो अग्नाशय का काम क्या है, अग्नाशय का काम है, कभी हम लोग सुनेगा अरे मेरे पेट में ना लहर बढ़ रहा है, मतलब गैस बन रहा है, लहर बन रहा है, तो वो कौन सा ऑर्गन करता है, अग्नाशय। वो कौन सा करता है, अग्नाशय। वो भी कब होता है, जब आप वाइली फूड खा लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ना अननेसेसरी गैस बनने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, पेट के अंदर लहर बढ़ना है ना, थोड़ा सा जलन टाइप का लगने लगेगा, वो किसके कारण होता है, अग्नाशय के कारण। अगर आप लिमिट में है तो ये ठीक काम करेगा, अगर वही चीज़ ज़्यादा हो जाता है तो अग्नाशय क्या करता है, उसको हमारे शरीर के अंदर गैस का निर्माण करने लगता है, हमारे शरीर के अंदर लहर बढ़ने लगेगा, ज़्यादा गर्मी लगने लगता है, तो ये सारा काम क्या है, अग्नाशय का है। उसके बाद है आंत ग्रंथि। ये आंत ग्रंथि क्या है, मैंने आपको पहले पढ़ा चुका है, छोटी आंत का जो ये ऑर्गन है, उसके बाद छोटी आंत में खाना पचता है, जो अनपचा भोजन है वो बड़ी आंत में जाता है, और बड़ी आंत में जाने के बाद गुदा से वह बाहर चला आता है। यही रहा आपका पूरा पाचन तंत्र, इतना ही पढ़ना है बच्चों टेंथ तक, अगर इतना आप समझ लेते हैं तो ये आपका पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाता है। तो चलिए यहीं पे हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं, और जाने से पहले बच्चों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अगर बात समझ में आ रहा है तब, अगर नहीं समझ में आया तो अपने दिल पे हाथ रख के बोलो कि समझ में नहीं आ रहा है, टीचर के चैनल को सब्सक्राइब करना है, नहीं है तो मत करो, लेकिन अगर मेरी बात सच में समझ में आई है तो लाल बटन जो है उसको दबाने में कोई आपका हाथ तो दर्द करेगा नहीं, और उसके बाद जो बेल आइकन की घंटी है उसको आप क्लिक करें, ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं, देखिए क्लास टेंथ का मैं इंपॉर्टेंट सीरीज जब चालू करने जा रहा हूँ, अलग अलग टॉपिक के अनुसार से अलग अलग मैं वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, चाहे मैथ का हो, साइंस का हो और अन्य भी विषय का हो, और इतने दिन से जो वीडियो नहीं बनना था उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आज के बाद वीडियो जो है वो रेगुलर डालने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। कह तो नहीं सकता हूँ कि रोज़ ही डालूंगा, क्योंकि कुछ हो जाता है इंसान को प्रॉब्लम तो नहीं डाल पाता है, लेकिन पूरा कोशिश करूँगा 99% की मैं वीडियो को बनाऊं, और अगर मेरी बात समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे रोहित सर एकेडमी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद बच्चों, बाय बाय।